लेकिन शिक्षक के लिए मैं जहां तक समझता हूँ कि बाल मनोविज्ञान और बालकों की एक बारीकी से जो समझ है वो होना अति आवश्यक। यदि आपको बालक की समझ की आवश्यकता नहीं है, यदि आप में शिक्षण कार्य में यदि आपको आनंद नहीं आता, यदि आप शिक्षण कार्य के प्रति पूर्णतः ईमानदार नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आप शिक्षक की भूमिका को सही तरह से निभा नहीं पाए। दूसरी बात यह है कि आपका उनके प्रति आत्मीय लगाव होना चाहिए। जब तक मन में आपके प्रति उनके प्रति लगाव नहीं होगा, शिक्षण विधियों का ज्ञान ये भी अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है। तो वो भी जो है आपको टीचिंग मेथड जो है किस समय कौन सा टीचिंग मेथड अप्लाई करना, और एक जो है अभिव्यक्ति की क्षमता। शिक्षण कार्य में बहुत से कार्य ऐसे हैं जो मानसिक रूप से किए जा सकते हैं, जिनमें विशेषज्ञता या आपकी जो टैलेंट है वो काम में आ सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा विद्वान होकर भी वो एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता यदि उसकी अभिव्यक्ति और शिक्षण विधियाँ यदि प्रभावशाली। मैं कई बार ये महसूस करता हूँ कि बच्चे कुछ विशेष रूप से वैसे गणित के प्रति जो है उनकी थोड़ी सी क्लिष्टता, उनके मन में एक भैंसा होता है, और विशेष रूप से ज्यामितीय आकृतियों के सूत्र जो या वो याद करते हैं उसमें उनको मैंने कठिनाई महसूस की, जो कि मैंने अध्यापन कार्य में भी देखा। तो इसके लिए मैंने उसको सरल करने का प्रयास किया, तो मैंने TLM का उपयोग तो करता ही हूँ, और उसमें विशेष रूप से जैसे आपके सामने मैं प्रदर्शित करूँ कि जैसे मैं घनाभ जो है वो बता रहा हूँ, तो ऐसे डिब्बे खूब मिल जाते हैं और जो इजीली अवेलेबल है, ये ऐसे डिब्बे मैं 8-10 डिब्बे जो है वो तैयार कर देता हूँ, और फिर बच्चों को 4-4 के ग्रुप में जो है उनके स्तरानुसार जो बेंच पर बैठे हैं उसी हिसाब से उनके मध्य एक एक जो है वो प्रत्येक बेंच पर रख देता हूँ। फिर उनको ये जो है बताता हूँ कि भाई इसके कितने प्रश्न आपको दिखाई देते हैं, तो बच्चे गिनकर बता देते हैं कि भाई 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर उनसे पूछता हूँ कि मैं इसकी सरल आकृतियाँ आपको कैसी नजर आ रही, तो पूर्व ज्ञान के आधार पर जो ये मैं बात जो है वो 8वीं क्लास की कर रहा हूँ, तो पूर्व ज्ञान के आधार पर वो बच्चे बता देते हैं भाई ये जो पहला फलक है, पहला जो प्रश्न है, इसकी किस तरह की सरल आकृति आपको नजर आ रही, और इसको विशेष रूप से इसके प्रत्येक फलक को अलग भी करवा देता हूँ। तो वो बताता है, बच्चा बताता है कि भाई ये आयताकार नजर आ रहा, तो आयताकार में मैं उनके ये अंकित कर देता हूँ भाई ये जो इसकी जो भुजा है इसको हम क्या कहेंगे, तो वो बोल देता है लंबाई, और फिर मैं कहता हूँ कि ये जो भुजा है इसको क्या कहेंगे, तो वो बोल देता है कि चौड़ाई। ऐसे ही प्रत्येक दूसरा फलक दिखाता हूँ। ये तो हुई आयताकार, कोई और में जैसे मान लीजिए बेलन बताना है, तो बेलन बताने में जैसे मान लीजिए ऐसे डिब्बे खूब अवेलेबल हो जाते हैं, और भी डिब्बे हैं जैसे मान लीजिए अपन जो चिड़िया वगैरह बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं तो उसके जो डिब्बे आ जाते हैं, किसी मेडिसिन के डिब्बे हैं, ये पहले से बच्चों से तैयार करवाए। फिर उनसे पूछते हैं कि भाई ये जो है इसमें आपको कितने फलक नजर आ रहे हैं, तो बच्चे हो सकता है प्रारंभ में इसका जवाब नहीं दे पाते, फिर उससे ऐसे दिखाकर पूछते हैं भाई ऐसा जो फलक है उसकी आकृति आपको कैसे नजर आ रही, और फिर भी नहीं बताता तो इस फलक को खोल कर बता देते हैं, तो बच्चा बता देता है कि इसकी वृत्ताकार आकृति। फिर कहते हैं कि एक फलक ये, दूसरा फलक ये, और ये फिर और कौन सा फलक नजर आया, तो बोले वो बोलते हैं कि सर ये जो घूमा हुआ फलक है, तो घूमे हुए को क्या कहते हैं, तो बच्चे इसमें जो है इस जवाब देने में थोड़ा सा अटक जाते हैं, तो उसको कहता हूं कि मैंने आपने गणेश जी का वो पढ़ाया कि वक्र तुंड महाकाय, तो वो बता देंगे मुड़ा हुआ यानी वक्र प्रश्न, तो इस तरह से उनके प्रश्न की जो है जानकारी दी। दूरदर्शन पर जो है वो इग्नू के कार्यक्रम आते रहते हैं, ज्ञान दर्शन नाम का चैनल है उस पर, ज्ञान दर्शन पर और व्यास चैनल के जो है ये कार्यक्रम आते हैं, मुझे जो लगता है कि ये बच्चों के स्तरानुकूल है तो उसको मैं मेरे मोबाइल पर जो है वो उसको ले लेता हूँ, या और कहीं कोई CD वगैरह या चल रही है तो मैं उसको जो है मेरी मेमोरी में फीड कर लेता हूँ, और फिर उसको ला करके और वो बच्चों के सामने जो है वो दिखाता हूँ। तो इससे बच्चे काफ़ी आनंदित भी होते हैं और नवाचार भी उनको मिलता है, और जो ऐसी चीज़ें जो उपलब्ध नहीं हो पाती हर जगह उनसे उनको परिचय मिलता है। कई बार साउंड वगैरह जो है वो क्लियर करने में जैसे भाषा संबंधी क्लिष्टता है, तो उसको भी जो है उच्चारण करने के लिए उससे जो है पहले उसको ध्वनि सुनाई जाती है और फिर उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, और रिकॉर्ड करके फिर वापस उसको जब सुनाया जाता है तो उसको एहसास होता है कि वास्तव में मैंने उच्चारण में ही आती है, तो इसमें बड़ा कारगर साबित हुआ है।